हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रगति। तो आज मैं आपके लिए एक जन्माष्टमी स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कि हम बनाएंगे लड्डू गोपाल की ड्रेस, जो कि अभी आपके सामने शो हो रही है। हम यही गोल्डन कलर की ड्रेस बनाने वाले हैं, और ये ड्रेस मैंने बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से बनाई है। कोई भी इसको घर में आसानी से बना सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि अब आने वाला है गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली, करवा चौथ, और उससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो अपने चैनल पर बनाए हैं, जिनकी पिक्चर अभी आपके सामने शो हो रही हैं। ये अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं ये वीडियो देखने में, तो इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये लड्डू गोपाल वाली ड्रेस वाला वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आइए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लड्डू गोपाल की ड्रेस को बनाने के लिए मैंने लिए यहाँ पर गोल्डन कलर की लेस। लेस का कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। और हमें चाहिए एक सुई धागा, और सुई की हेल्प से आज हम इस ड्रेस को बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, बस जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आपको इस तरीके से थोड़ा सा कच्चा टाइप का करना है, और सुई में थोड़ा चौड़ा चौड़ा इसको पिरोते हुए इस तरीके से लेस को एक जगह गैदर करना है। और हम उतना ही गैदर करेंगे जितना कि फ्रिल हमको ड्रेस में चाहिए। अगर आप हाई वॉल्यूम चाहते हैं, तो उससे ज़्यादा भी लेस ले सकते हैं, मैंने इसको नॉर्मल ही रखा है। तो लेस को हम उतना ही लेंगे कि जितना कि घेरा हमें चाहिए, तो मुझे लगभग इतना चाहिए था। अब मैं ड्रेस को एक बार चेक कर लूँगी पहना के कि कितना आ रहा है फ्रिल, और उसके बाद मैं इसको चेक करने के बाद यहाँ पर इसको लास्ट में स्टिच कर लूँगी यहाँ पर, और इसको पीछे से भी कवर कर दूँगी सेम इसी तरीके से। तो हमारा जो ड्रेस का नीचे वाला पार्ट है वो रेडी हो चुका है। तो आइए अपर पार्ट को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लेस के जो लास्ट वाला पार्ट है, छोटे छोटे दो टुकड़े, वो ले लिए जो फ्लावर की शेप में है ऊपर से। बस इसको मैं यहाँ पर बैक साइड से जो नीचे वाला लेस का एरिया है, इसको सुई धागे से यहाँ पर स्टिच कर दूँगी, और बस एक ये हमारा ऊपर का स्टॉल टाइप का है वो रेडी हो जाएगा। इसको चाहें तो आप इस ड्रेस में अटैच भी कर सकते हैं, और या फिर ऊपर जैसे हम लोग स्काफ या स्टॉल डालते हैं ऊपर से, वैसे भी डाल सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए। तो अब यहाँ पर मैंने जो ऊपर की जो पगड़ी है उसको बनाने के लिए तीन लेस के टुकड़े वाला पार्ट लिया है, जिसमें कि ऊपर तीन फ्लावर टाइप बने हैं, और इसको मैं अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से फ़ोल्ड कर दूंगी। और फोल्ड करने के बाद जो बैक वाला एरिया है उसको हम सिल लेंगे, स्टिच कर लेंगे, और स्टिच करने के बाद उसको हम वापस से सीधा कर लेंगे, उल्टे साइड से सिलेंगे हम। तो यहाँ पर जब मैं पगड़ी बना रही थी, ये थोड़ी सी बड़ी लग रही थी, तो फिर इसको मैं यहाँ पर तीन फोल्ड करके दिखाऊंगी। पहले मैंने सिंगल फोल्ड किया था इस तरीके से लगा के देखा, तो वो काफ़ी थोड़ी बड़ी सी लग रही थी। तो अब यहाँ पर मैं आपको उसको तीन फोल्ड करके दिखाऊंगी। ये देखिए, तीन फोल्ड कर लिया। अब हम इसको इस तरीके से नाप लेंगे, और बस इसे हम यहाँ पर बैक साइड से स्टिच कर लेंगे, और हमारी ऊपर की पगड़ी भी रेडी हो जाएगी। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप भी कर सकते हैं। तो बस हमारी ये पगड़ी रेडी हो चुकी है, और इसमें आप चाहें तो स्टोन या मोती लगा सकते हैं ऊपर की पगड़ी में, और सेम ड्रेस में भी इसी तरीके से पीछे से इसको स्टिच कर दूंगी मैं यहाँ पर बस। और हमारी ये ड्रेस रेडी हो चुकी है, और ऊपर का जो ये स्टॉल है इसको ऐसे भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको स्टिच भी कर सकते हैं, मैंने इसको अलग अलग रखा है। बस हमारी ये ड्रेस रेडी हो चुकी है, तो अभी आप इसका फाइनल लुक देखेंगे।